हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सो वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देन अभी मेरा सेकंड ब्लॉग है, तो मैंने सोचा चलो आज बैठ के थोड़ी सी पहले बात किया जाए, समझाया जाए, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ्री हूँ तो थोड़ा बात भी किया जाए, तो थोड़ा आप लोग को समझाया जाए कि मैं अभी न्यू ब्लॉगर बन रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई मतलब मिस्टेक हो जाए या बात करने को नहीं आए या कुछ मतलब मैं समझ नहीं पाऊँ, सो आप लोग मेरी हेल्प करना। जो जो भी आप ब्लॉगिंग करते हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, सो ब्लॉगिंग करना मतलब मुझे बताना, मुझे समझाना कि हनी ऐसे नहीं, ऐसा किया जाता है, सो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि मैं न्यू हूँ तो, और आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, देन क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, बस जो भी है नेचुरल है लाइफ, मतलब ऐसे मैं डायरेक्टली बोल, मतलब कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, मतलब जो भी है नेचुरली निकलेगा। और आप लोग से बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। देन अभी मैं घर में अकेली हूँ, तो मेरी छोटी सी बेटी है, तो वो तो अभी फ़िलहाल स्कूल ट्यूशन गई रही है, और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, और मेरा बहुत मन है, पर ना थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार किसी को क्या लगेगा, किसी को क्या लगेगा। पर मैं बहुत सारे ब्लॉगर को ब्लॉगिंग देखती हूँ, तो मतलब जो भी है सीधा सीधा बोल दो, है ना, और साफ साफ, जितना नेचुरल रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। इतना तो मैं बहुत सारे लोगों की ब्लॉगिंग देखती हूँ तो मुझे पता लगा है। देन बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे सबको सपोर्ट करते हो और प्यार करते हो, ऐसे मेरे को भी करना। मेरी कोई भी मैं वीडियोस डालूँगी, मेरी कोई भी वीडियो में मिस्टेक होएगी तो आप मुझे डायरेक्टली बोल देना, पर कोई बैड कमेंट्स नहीं करना, है ना, और हो सके तो सपोर्ट करना। सो मैं शुरू कर रही हूँ आज की ब्लॉगिंग। सो आप सब मतलब वही ना, मतलब बात करते करते तक ना किधर मतलब सोचना पड़ता, मतलब क्या बोलूँ कि आप कुछ ऐसे मुँह से निकल जाए जो आप लोग को नहीं अच्छा लगे, तो वो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए चलो कोई नहीं, अपनी शुरुआत तो करते हैं अपने नए दिन से। सो मेरा आज पहला ब्लॉग है, तो मेरी डॉटर तो अभी ट्यूशन गई है और मैं अभी बस जस्ट बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड भी चले गए। सो मैं सोची हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई जाए और कॉफ़ी से स्टार्टिंग की जाए। ऐसे तो हो गया, पर अगर मुझसे कुछ भी कुछ गलत हो गया तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर लेना गाइस, प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, है ना। सो शुरुआत करते हैं अपने दिन की एक प्यारी सी अच्छी सी ताजा सी कॉफी से। सो हेलो गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं अभी बाबू को लेने ट्यूशन से लेने जा रहे हैं, उसको लेके आते हैं, एक बज चुका है, नहीं तो बाबू रोने लग जाएगी, उसको लेके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। एक तो ये लिफ्ट आने में बहुत टाइम लगाती है, अभी चार मार देते हैं, सेवन फ्लोर आने में पता नहीं कितना टाइम लगाएगी। ये है मेरा घर, मिलते हैं आपसे टिकट को लेके आने के बाद। चलो बात करते करते लिफ्ट भी आ गई। और बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है इधर। सो गाइस, मेरे को चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्लॉग में भी अधिकतर चूड़े बना के क्योंकि चूड़े बहुत, बिकॉज क्या है ना यहाँ पे गर्मी बहुत है बर्दाश्त के बाहर, सो इसलिए। चलो मिलते हैं किट्टू को ट्यूशन के लेके आने के बाद। सो हम निकल चुके हैं लिफ्ट से बाहर किट्टू को लेके आने के लिए। देखो क्या कर रही होगी मैडम, क्या तो दूर नहीं है, बस बगल में ही है। घर से बाहर निकलो और किसी का पहुंच जाते हैं किसी के पास। धूप कितनी तेज हो रही है, अल्लाह तो पसी नहीं लगी। अरे आप आ गए बाहर,
लेट हो गया मम्मा को? सॉरी, ये किसका है? मेरा। आपका बैग किधर है? इधर है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं गाइस, ट्यूशन से आते आते भी इसे पूरी मस्ती चाहिए होती है, फुल मस्ती। किट्टू, किट्टू घर चले, चलो ना, दादू मारेंगे। ले फोटो तो खिंचा ले। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए किट्टू को ट्यूशन से लेके। तो किट्टू आ गई है। किट्टू से हाय। हाय। प्यार से बोलो, हाय कर दो। हाय जू जू। सबको पहले बोलो जय माता दी। जय माता। हाँ जोर से करो, जय माता दी। हेलो गाइस, हम जय माता। तो बोलो चलो मम्मी के चैनल को। मम्मी के चैनल की गर्ल। हाँ हाँ बोलो, सब्सक्राइब करना। ये सब्सक्राइब करना। अच्छा लाइक भी तो बोल दो। लाइक करना, लाइक करना, बाय। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा प्यार करना, बहुत सारा प्यार करना। अभी पुम्मा दो सबको, बोल दो आप सबको पुम्मा दे रहा हूँ। किट्टू बोलो सबको, किट्टू पुम्मा देगी। बस अच्छा बोलो, मैं मिलता हूँ बाद में। सो गाइस, हम किट्टू को लेके आ चुके हैं ट्यूशन से। तो अभी ऐसा होता है खाने का टाइम, तो हम बना लेते हैं इसके लिए कुछ अच्छा सा खाना। सो मिलते हैं हम आपको ब्रेक के बाद। क्या आंटी? सो हेलो गाइस, तो शाम के बज गए और अब हम लोग एक्चुअली ट्यूशन से आई थी तो ये सो गई थी, तो ये सो गई थी, तो फिर मैं भी सो गई थी। तो अभी हम लोग उठे हैं। अब किट्टू होएगी, मम्मा तो हो गई नहा धो के रेडी, अब किट्टू होएगी नहा धो के रेडी, है ना बब्बी? बोलो, हाथ काट दो ना। इसका हाथ काटना है मुझे, हाथ काटना है। ओके गाइस, तो अब हम किट्टू को रेडी कराने के बाद मिलते हैं आपसे। से बाय बाय। बोलो मैं आता हूँ अभी। सो हेलो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी, डन किट्टू। सो हम लोग जा रहे हैं नीचे। आइए आपको भी शेयर नीचे की शेयर करवाते हैं। और किट्टू जाएगी स्विमिंग। सो आज किट्टू का है स्विमिंग डे, तो आपको जरूर दिखाएंगे। हम लोग रेडी हो गए हैं स्विमिंग पूल जाने के लिए। मैं नहीं करती, किट्टू मेरी बेटी ये बराबर स्विमिंग पूल करती है। हाँ जी, किट्टू बोल रही है कि स्विमिंग पूल मैं नहीं जाऊंगी। यार नहीं जाओगी स्विमिंग पूल? जाऊंगी मैं। कहाँ जाओगी? तो हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल। आइए, वही रोज का काम, लिफ्ट का वेट करना पड़ता है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी तक नहीं आई लिफ्ट, बहुत तंग करती है। सो आ गई, फाइनली लिफ्ट आ गई। मेरी बेटी क्या बोल रही, क्या बोल रही हो? हेलो गाइस, हम स्विमिंग करने जा रहे हैं। हम लोग स्विमिंग जा रहे हैं। बच्चे है ना, कैसे इनकी हर खुशी में हमारी खुशी होती है। छोटी छोटी चीजें इनको बहुत खुशी देती है और इनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। सो मिलते हैं आपको नीचे जाके। पहुंच गए हम लोग नीचे। किट्टू चलो। सो ये है हमारी सोसाइटी। अरे अरे किट्टू को कैसे ना हाथ पकड़ के चलने की आदत है। सो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया जाए हमारी सोसाइटी का। किट्टू पूजा मासी को बज मारो।
तो ये है हमारी सोसाइटी का शाम का व्यू। सो नीचे आते ही किट्टू की माँ किट्टू गिर गई। चलो कहा स्विमिंग चलोगी ना, चलो। यहाँ पे हम डेली आते हैं शाम को अपनी बच्चे के संग। ये घूमती है और मैं इसके पीछे पीछे घूमती हूँ। किट्टू से हाय हाय एवरीवन। ओ राम से बहुत सारे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। नाइस व्यूज। हम लोग तो रहते हैं यहाँ पे इसलिए तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। आप जरूर बताइए कि आपको हमारी सोसाइटी का छोटा सा व्यू कैसे लगा। सो किट्टू अभी जा रही है स्विमिंग की। सो ये है हमारी बिल्डिंग का स्विमिंग पूल, यहाँ से दिख रहा है। अभी हम इसके अंदर जाके आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए मैडम आगे आगे कैसे चल रही है मेरी। और जिम पूरा खाली पड़ा है, जिम करने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सब फिट लगते हैं यहाँ पे। सो हम लोग आ गए स्विमिंग पूल और चली गई है किट्टू। आपकी ट्यूब नहीं लेके आई बेटी? मैं आपकी ट्यूब नहीं लेके आई। बहुत दूर नहीं जाना, फिर डीप हो रहा है। हाँ तो अब कल लेके आएंगे, अभी ऐसी ऐसी नाव नाव कर लो। किट्टू की फ्रेंड आ गई। किट्टू स्विमिंग कैसे करते हैं? देखो दीदी कैसे कर रही है। वाओ किट्टू आप भी करो। किट्टू तो जीभ बाहर निकाल के स्विमिंग करती है। किट्टू वाओ किट्टू। शाम होते बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि तो बहुत ही गर्मी होती है यहाँ पे। तो मेरा काम है बैठने का और किट्टू का वेट करने का। वैसे वो कब तक बाहर आती है? मिलते हैं आपको किट्टू को किट्टू के बाहर निकलने के बाद। गाइस हो गया, आप जल्दी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आओ किट्टू आ जाओ, आओ फिर घर चलेंगे, फिर पापा मारेगी। स्टाइल देख लो इनके स्विमिंग करने के, ऊपर कैसे कर रही है। आ जाओ बाबू, बाबू आ जाओ, फिर नोजी आ जाती है ना। किट्टू वेरी गुड, आप तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो भाई, कहना भी मानती हो अपनी मम्मा का। वेरी गुड। ओके स्विमिंग बोलती है मम्मा स्विमिंग नहीं करना। चलो अब क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे इससे? मारेगा चाचू। हो गया किट्टू को कितनी बड़ी बॉल मिल गई। किट्टू बॉल है ये, किट्टू इस किट्टू से बड़ी तो बॉल है भाई। ए
किट्टू की दीदी। हम लोग निकल गए स्विमिंग पूल से और यहाँ पे बहुत अंधेरा है इसलिए अंधेरे में वीडियोस बना रही हैं। मैंने सोचा जितना हो सके मैं उतना कैप्चर तो कर ही सकती हूँ ना। अब आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, और आप लोग का दिल जो जीतना है जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। ये है हमारी लड़की जो कि बहुत गुस्सा हो रखी है। चलो मिलते हैं सब्जी लाने के बाद। सो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं अभी, और गर्मी से आ मेरे फेस पे पसीना देख के समझ सकते हो कि कितनी गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत। किट्टू किट्टू भी थक चुके हैं स्विमिंग करके। आप थक गई हो? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसने ऐसे बोला, हेलो गाइस मैं भी थक गया हूँ, मम्मा भी थक गई है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ बखेर, जय माता दी। मिलते हैं कल, बाय बाय। बाय करो किट्टू, गुड नाइट सबको, जय माता करो।